हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन की। आज हम रक्षाबंधन स्पेशल कुछ मिठाइयां लाए हैं जिसमें हम बिना गैस जलाए कुछ मिठाइयों की रेसिपी आप लोगों को बताएंगे। तो प्लीज देखते रहिए बिना गैस जलाए कि हम कैसे मिठाइयां बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए गाइस, इस मिठाई में सिर्फ और सिर्फ हमको ये जो सेवैयां हमने दो पैकेट ले रखी हैं, तो इनको हम ऐसे करके क्रश कर लेंगे। ये हमारी रोस्टेड सेवैयां हैं और क्रश करने के बाद इनको हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनको ही रोस्ट करना है। तो चलिए कर लेते हैं। ये देखिए, हमने कढ़ाई में 2 से 3 स्पून घी डाल लिया है क्योंकि सारी मिठाइयां हम घी में बनाएंगे और इनको फ्राई करके मिलते हैं। ये देखिए गाइस, हमारी रोस्ट हो चुकी है और कलर भी चेंज हो चुका है। वैसे तो ये रोस्टेड है पहले से ही, बट थोड़ा सा और रोस्ट करने से क्रंच इसमें आ जाता है। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए गाइस, इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट हमारे रस्क जो लगेंगे, क्योंकि हम मलाई केक बना रहे हैं, मलाई रस्क सेमई केक। तो चलिए बनाते हैं। देखिए इस तरह से हमने कंटेनर रखा अपना, ठीक है, और इसमें हम अपने रस्क ऐसे सेट कर देंगे। तो सारे सेट करेंगे। और गाइस ये देखिए, हमारी चाशनी पहले से ही बनी रखी थी, इसको हमने सिर्फ गर्म किया है। तो अब अपनी चाशनी को हम पूरे रस्क पर फैला देंगे अच्छे से। और चाशनी इसमें गर्म ही इस्तेमाल करनी है, ठंडी नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि रस्क है हमारे, सोखेंगे, ठीक है। और एक गाइस बात, अगर आपके पास चाशनी नहीं है तो आप एक कटोरी चीनी में हाफ कटोरी पानी डालकर चाशनी बना लीजिए, ठीक है। ये देखिए गाइस, ये वही कंडेंस मिल्क है जो हमने बनाया था उस दिन, तो हम इसी कंडेंस मिल्क से आज बनाएंगे। तो पूरी एक लेयर हम इस पर कंडेंस मिल्क फैला देंगे। अब ये देखिए गाइस, ऐसे टैप करेंगे और इसके ऊपर जो हमने सेवैयां अपनी भून कर रखी हैं उनको ऐसे करके एक लेयर पूरी बिछा देंगे। ये देखिए बन गया है। अब उसी तरह से फिर से यही प्रोसेस फिर से दोहराना है। पहले रस रखेंगे, उसके बाद चाशनी डालेंगे, फिर अपनी कंडेंस मिल्क और फिर सेवैयां बिछाएंगे। ये देखिए गाइस, एक मिठाई हमारी बनकर रेडी है। इसमें आप ड्राई फ्रूट से इसको सजा भी सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, बट हम इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमने सेवैयों से बनाया है और सावन है तो सेवैयां बहुत जरूरी हैं, तो इस वजह से हमने इसको ऐसे ही रहने देना है। अब इसे 5 से 6 घंटे के लिए रख देना जिससे कि जो हमारे रस्क है वो मुलायम हो जाए, अच्छे से सोक कर लें चाशनी को। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं रेसिपी। ये देखिए गाइस, इसकी लेयर देख लीजिए आप लोग, कितनी अच्छी सी लेयर्स दिख रही हैं सारी। तो चलिए नेक्स्ट रेसिपी बनाते हैं। देखिए गाइस, सेकंड हम बनाएंगे बिस्किट की बर्फी और उसमें भी हम चॉकलेट बिस्किट लेंगे। ये देखिए, हमने चॉकलेट बिस्किट को ग्राइंड कर लिया है और इसको फाइन पाउडर बना लिया है। और देखिए इसको हम जमाने के लिए एक ऐसे टिफिन बॉक्स लेंगे। देखिए आज हमने लगभग वही सारे उपकरण लिए हैं जो सबके घर में अवेलेबल होते हैं। इस समय बच्चे हैं, सबके घर में टिफिन वगैरह खाली पड़े हुए हैं तो आप उनका यूज कर सकते हैं। तो इनको हम अच्छे से ग्रीस करेंगे ऐसे, ठीक है, और इसको हम पहले बना के रखेंगे, ठीक है। और ये हमने एक पॉलीथीन ले ली है, ये देखिए इस तरह की, क्योंकि हमें गर्म नहीं करना है कुछ भी, तो ये पॉलीथीन काम आ जाएगी। तो इसको भी हम अच्छे से ग्रीस करेंगे। ये देखिए, ग्रीस करके हमने अपने टिफिन में ये पन्नी लगा ली है जिससे हमें जो बर्फी बिस्किट की बर्फी हम बनाएंगे उसको निकालने में आसानी रहेगी। तो चलिए, ये देखिए गाइस, ये वही बर्तन है जिसमें हमने चाशनी ली थी, तो उसमें हम बिस्किट ना ऐसे डाल लेंगे सारा। और इसमें हम बिल्कुल कुछ भी नहीं यूज करेंगे, देखिएगा आप लोग, कर देंगे। और ये हमने डेसिकेटेड नारियल लिया है हाफ कटोरी, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए गाइस, हमने 10 से 12 इलायची हैं अपनी कूट ली हैं, वो हम इलायची कूट के डालेंगे। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा हो चुका है। तो अब इसमें हम कंडेंस मिल्क डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे, ठीक है, और इसको हम मिलाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से डाल लिया और हम ऐसे मिलाते जाएंगे स्पैचुला से। और उसके बाद में अगर नहीं मिलता है तो हम हाथ का भी यूज कर लेंगे, और इसमें अगर जरूरत पड़ेगी तो हम दूध का भी थोड़ा सा ऐड करेंगे, ठीक है। अभी हमने कंडेंस मिल्क डाला है, इसमें चीनी नहीं की जरूरत नहीं होगी। ये देखिए, थोड़ा सा हमने कंडेंस मिल्क डाला था, हाफ कटोरी करीब। और अब हम डालेंगे ये थोड़ा सा मिल्क आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, क्योंकि हमको इसको डो बनाना है इस तरह से। चलिए हम हाथ का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, आप देख सकते होंगे डो की तरह हो गया है। इसमें हमने मुश्किल से 7 स्पून दूध ऐड किया है, बाद बाकी हमने
जो कंडेंस मिल्क था वो ऐड किया है, तो हमें इस तरह से डो बनाना है। ठीक है, अब इसको हम सेट करते हैं। ये देखिए अपना टिफिन वही वाला बॉक्स ले लिया जो ग्रीस करके रखा था, अब इसमें हम इसको सेट कर देंगे अच्छे से। ठीक है, ये देखिएगा ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इस एक स्पून में या किसी भी बर्तन में थोड़ा सा घी लगा के इसको हम अच्छे से बराबर करेंगे। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए गाइस, हमने चांदी के वक्र से इसको सजाया है। आपके पास चांदी का वक्र हो, पसंद करते हो तो लगा दीजिए, नहीं पसंद करते हो तो आप केवल ड्राई फ्रूट से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। ये देखिए बिस्किट की बर्फी बनकर रेडी है, तो इसको भी अब हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। चलिए गाइस, अब बनाते हैं अपनी काजू कतली बिना गैस चलाए। तो ये देखिए हमने पीस ली है अपनी काजू कतली, तो उसी बर्तन में हम डाल लेंगे। ठीक है, एक बात और गाइस, इसमें हमने पीसते हुए नहीं दिखाया क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम रहती है हमारे यहाँ, तो इसको पल्स मोड पर ही पीसना है आसानी से, रोक रोक कर। पल्स मोड मतलब रोक रोक कर इसको पीसना है। ये देखिएगा, एक कटोरी हमारा है काजू पिसा हुआ। अब एक कटोरी हम डालेंगे दूध पाउडर, कोई भी दूध पाउडर आप ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए गाइस, अगर स्पून से देखा जाए तो 6 स्पून हमने दूध पाउडर डाला है। और अब इसमें हम डाल देंगे इलायची, आप अगर ना पसंद करें तो ना डालें, कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन हम इसमें इलायची डाल रहे हैं। ठीक है, इसको भी अब हम कंडेंस्ड मिल्क से ही बनाएंगे, इसमें चीनी नहीं ऐड करेंगे, तो ये कंडेंस्ड मिल्क अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें ऐड करेंगे। इसको भी मिक्स करेंगे और डो की फॉर्म में इसको भी हम ले आएंगे। ठीक है, इस तरह से मिक्स करते हुए, जरूरत पड़ेगी तो आप कंडेंस मिल्क और ऐड कर लें, चीनी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कंडेंस मिल्क हमारा इतना खुद ही अच्छा होता है, मीठा होता है। ये देखिए डो के फॉर्म में हो गया है, तो इसको अब हम बेलेंगे। ठीक है, ये देखिए गाइस, इस तरह से एक पॉलिथीन ले ली है, इसके ऊपर हम घी लगाएंगे और फिर अपना डो इसी पर हम बेलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से घी लगाना है। ये देखिए बेलन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और हल्के हाथों से हम ऐसे बेल लेंगे। ठीक है, ये देखिए गाइस आसानी से बेल चुका है, तो इसको हम चांदी के वक्र से डेकोरेट करेंगे क्योंकि त्योहार का सीजन है, आप ऐसे भी चाहें कर सकते हैं, बट हमने चांदी के वक्र से कर दिया है। ये देखिए गाइस हो चुका है, अब इसको हम कट कर लेंगे। आप ये बीज से हम कट करेंगे, ये देखें ऐसे। ये देखिए गाइस बन चुका है, तो आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी, और बिल्कुल कुछ भी नहीं मतलब हमें करना पड़ा। और अगर आपको लूज लग रही हो तो 2 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख दें, बिल्कुल सही हो जाएगी। सॉरी गाइस, इस समय बारिश बहुत तेज होने लगी हमारे यहाँ, तो वो आवाज में थोड़ी सी दिक्कत हो गई हो। ये देखिए गाइस, ये बिस्किट की भी मिठाई हमारी बनकर रेडी है, बिल्कुल अलग रखते हैं इसको। ये देखिए गाइस, ये हमारी वो मिठाइयां हैं जिनको हमने बिल्कुल गैस नहीं जलाई है, जिनको हमने बिल्कुल हाई फ्लेम मतलब फ्लेम नहीं किया है, गर्म नहीं किया है, बिल्कुल बहुत टेस्टी और बहुत ही अम्मी। देखिए ये हमारी बिस्किट की मिठाई, ये आप देख सकते हैं कितना टेस्टी और कितना यम्मी है। और ये देख सकते हैं आप काजू कतली की मिठाई, 1 मिनट, ये देख रहे हैं इसमें से टच करने का मन नहीं हुआ इसलिए अलग से ले लिया। ये देखिए हमारी काजू कतली की मिठाई कितनी टेस्टी और कितनी यम्मी है, और बहुत ज्यादा टूट रही है, देख सकते हैं आप लोग तो। और ये देखिए ये सेमई डिजर्ट, इसको सेमई मलाई केक भी बोल सकते हैं, जो कि हमने बनाया हुआ है बिना उसके। तो आज की हमारी ये रेसिपी, आपको प्लीज बताइएगा कि कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।